वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। पाठ चल रहा है। इन मंत्रों में कहा गया है कि मनुष्य साम वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करके ऋषि मनाह ऋषियों के मन वाला बन जाता है। कहते हैं ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि ही दर्शनार्थ, वो आत्म तत्व का दर्शन करने वाला बन जाता है। और ऋषिकृत माने ऋषि, ऋषिर वेदः, वेद को भी ऋषि कहा गया है, क्योंकि वेद का ज्ञान हमें ऋषित्व को प्रदान करता है। तो ऋषिकृत का अर्थ हुआ जो वेदार्थ को कर सकने की क्षमता वाला। साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः, जो साक्षात्कार, मंत्रों का साक्षात्कार, मंत्रों के जो अर्थ हैं उनके अंदर जो विद्या है, विज्ञान है, उनके अंदर तक उनका साक्षात्कार करने का नाम है ऋषित्व को प्राप्त करना। जो ऋषित्व को प्राप्त कर लेते हैं, मंत्र कहता है वे स्वर्षाह, स्वह माने ज्योति, वे ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं। वे सहस्रनीथः, वे स्वयं अपनी आत्मोन्नति करके हजारों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं। वे पदवी ही कवीना, कवि कहते हैं जो क्रांतदर्शी, जो अंदर तक घुस करके बात को, उसके और छोर को जान लेता है, कहते हैं उस कवि की पदवी को वो प्राप्त कर लेते हैं। परमेश्वर को कवीनाम कवितमह कहा गया है, वो कवियों का भी कवि है। हम सब मनुष्य कवि हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कवित्व, उस अंदर तक घुस करके जानने की क्षमता, सामर्थ्य को पैदा करने वाला वो परमेश्वर है। कह रहे वो जो सामवेद के मंत्रों का स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, आत्म तत्व के दर्शन कर लेता है, वो ऋषि की पदवी को प्राप्त कर लेता है, वो कवि की पदवी को प्राप्त कर लेता है, वो तृतीयम धाम महिषः, वो जो महान तृतीय धाम है, तृतीय लोक है, उस तृतीय धाम को, ज्ञान के लोक को प्राप्त कर लेता है। और शिशासन सोमो विराजम अनु कहते हैं वो शिशासन, वो देने की क्षमता से युक्त हो जाता है। जब ज्ञान तत्व का दर्शन कर लेगा तभी दूसरों को उसका दान कर सकता है।
तो मंत्रों में ये बातें कि साम वेद का जो स्वाध्याय करता है वो उस साम्राज्य को, सम्राट के भाव को, सम्राजो भावः साम्राज्यम्, परमेश्वर सम्राट है, उस सम्राट के तत्व को अपने अंदर धारण करके मंत्रों में कहा कि विश्वाह द्विषः अपजहि। संसार में जो भी द्वेष की भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर कृपणता है, अनुदारता है, हमारे अंदर स्वार्थ परता है, कहते उनको नष्ट कर लेता है। मंत्रों में कहा कि हे इंद्र, आप सुनवतः वृधः, जो सवन करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, आहुति देने वाले हैं, जीवन को यज्ञमय बनाने वाले लोग हैं, उनको आप बढ़ाते हो वृधः। और पतिर दिवः, आप प्रकाश के स्वामी हैं, रक्षक हैं, जो अपने अंदर दिव्यता को धारण करते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं। मंत्रों में कहा वो परमेश्वर सतपति है, जो सज्जन है, जो सत्य के रक्षक हैं, वो उनकी रक्षा करता है। हम अपने अंदर सज्जनता को, सरलता को, निश्चलता को धारण करें तो हम अपने जीवन में उत्थान को प्राप्त कर सकते हैं। हंता दस्यो हो, दस्यु का हनन करने की क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। और मनोर्वृधः, अपने अंदर मनन की क्षमता, मननशीलता को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। कहते हैं परमेश्वर के पास सहस्रम यस्य रातयः, जिसके अंदर दान देने की क्षमता हजार गुना है, वो सब तरफ से लोगों को दे रहा है। उसने ब्रह्मांड में देवों की व्यवस्था की हुई है। उतवा संति भूयसी ही, उसका दान, उसका धन कभी भी समाप्त नहीं होता है। हम उस धन को प्राप्त करके धनवान बने, हम उसके कृपा के पात्र बने, तभी साम वेद के द्वारा, जो साम का तात्पर्य है समता को प्राप्त करना, आत्मवत, सब एक समान है, मनुष्य मनुष्य एक समान है, यहाँ तक कि वेद की भाषा में तो प्राणी मात्र आत्मा है, वो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों को, मनुष्य से इतर योनि को प्राप्त करता है, लेकिन उसके अंदर भी आत्मा है, वो भी पूर्ण रक्षा का, सम्मान का पात्र है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, तभी हमारे पर्यावरण का, समाज का संरक्षण हो सकता है। साम वेद के द्वारा परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त करके मनुष्य सांत्वना को प्राप्त करता है, उससे हमें सांत्वना प्राप्त होती है, उत्साह प्राप्त होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो बड़ों से सांत्वना को प्राप्त करता है, कोई गलत काम करने के बाद फिर से नए उत्साह को, फिर से नई ऊर्जा को प्राप्त करता है, तो साम के द्वारा सांत्वना, समता, ये जो भाव हैं, ये आध्यात्मिक उन्नति से ही संभव है। आप सभी साम वेद के मंत्रों का पाठ सुन रहे हैं, आगे मंत्र पाठ आरंभ होगा। बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, अपने मन की चेतना को, ऊर्जा को, दिव्यता को भावों से भर करके ये आहुतियाँ प्रदान करें, तभी आप इसके पूर्ण लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र पाठ आरंभ। अथ द्वितीयोऽर्थः। ॐ अक्रं समुद्र प्रथमे विधर्मं जनयन् प्रजा भुवनस्य गोपाः, वृषा पवित्रे अधिसारो अव्ये बृहत् सोमो वा वृधे स्वानो अर्त्रिः स्वाहा। ॐ मत्स्यवायुमिष्टये राधसीयो मत्स्यमित्रा वरुणा पूयमानः मत्स्यशर्थो मा
चल रहा है जिसमें पंचम प्रपाठक अभी पूर्ण हुआ है। इन मंत्रों में इन सामवेद की ऋचाओं के लिए पावमानी शब्द का प्रयोग हुआ है कि जो सामवेद के मंत्रों का स्वाध्याय करता है उनके अनुसार अपने जीवन को अपने आचरण को बनाता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। ये पवित्र करने वाली ऋचाएं हैं। मंत्र में कहा यो पावमानी ही अध्येति, जो इन पावमानी ऋचाओं का अध्ययन करता है, जो कि ऋचाएं कैसी हैं, ऋषि भी ही संभृतम, ऋषियों के द्वारा प्राप्त हैं। ऋषि परमेश्वर को कहा गया है, ऋषि ही ईश्वरः सर्वदृक्। वो ऋषि परमेश्वर है
क्योंकि सर्वदृक सब कुछ देखने वाला है, वो प्रत्यक्ष परोक्ष अद्यतन अनद्यतन भूत भविष्य सबको जानने वाला है, इसलिए वो ऋषि परमेश्वर है, ऋषि तम है। यहाँ पर ऋषि मनुष्य भी ऋषि होते हैं जो अपने एक विषय के पारावार यानी और छोर को पूर्णता से उस विषय को जान लेते हैं, उन्हें भी ऋषि कहा गया है। ऋषि भी ही संभृतम रसम, ऋषियों के द्वारा जो संभृत ये रस रूप ये ऋचाएँ हैं, कहते हैं इनको प्राप्त करके सर्वम सपूतम अश्नाति, वो संसार की सभी पवित्रताओं को प्राप्त कर लेता है। जो कि मातरिश्वना स्वदितम, वायु की तरह सर्वत्र प्रवहमान है, उसके द्वारा सर्वत्र जो हमारे लिए अभिलषित स्वाद है, मिठास है, उसको प्राप्त करता है। मंत्रों में कहा तस्मै सरस्वती दुहे, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को सरस्वती कहा है। सरस्वती अपने वैदिक शब्दकोश, संस्कृत में लौकिक शब्दकोश और वैदिक शब्दकोश भिन्न भिन्न है। वैदिक शब्दकोश में सरस्वती शब्द वांग नामों में पढ़ा है, यानी वाणी का वाचक है। सरस्वती का अर्थ है सरह माने प्रवाह, तो प्रवहनशील जो ज्ञान, तो सरह प्रशस्तम ज्ञानम विद्यते यस्याम, वो प्रशंसनीय ज्ञान का प्रयोग व्यवहार जिसके द्वारा होता है, जिसमें वो सन्निहित रहता है, उस वाणी का नाम है सरस्वती। कहते तस्मै सरस्वती दुहे, उसके लिए सरस्वती वाणी इन विषयों को दोहन कराती है। किनको? क्षीरम सर्पिहि मधु और उदकम, क्षीर कहते हैं दूध को, दूध को प्राप्त करके गाय के दुग्ध का पान करके मनुष्य आत्मबल शारीरिक बल और सात्विक बल बुद्धि को प्राप्त करता है। क्षीरम सर्पिहि मधु, मधु माने शहद, जो शहद को प्राप्त करके शहद के सेवन से जो लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ को मनुष्य इन वैदिक ऋचाओं के अध्ययन से प्राप्त करता है। उदकम कहते उदक माने जल, जल के पान से मनुष्य के अंदर कांति ओज तेज की वृद्धि होती है। आपह सर्वस्य भेषजी ही कहा गया है कि हमारे औषध स्वरूप है जल, तो इनके द्वारा जो मेरे अंदर कांति जो तेज और ओज की प्राप्ति होती है, कहते वो वेद की ऋचाओं का अध्ययन करने से प्राप्त होता है। ये पावमानी ही स्वस्त्यनी ही, स्वस्ति माने कल्याण, कल्याण को प्राप्त कराने वाली हैं ये सुदुघाह, इनका अच्छी प्रकार से दोहन करना चाहिए। ये ब्राह्मणेषु अमृतम हितम, ब्राह्मणों के अंदर जो अमृत ज्ञान होता है वो इन वैदिक ऋचाओं से ही प्राप्त करने योग्य है। मंत्रों में प्रार्थना की गई है, कहते ये न कि जिन ऋचाओं को प्राप्त करके देवाह विद्वान लोग आत्मानं पुनते, स्वयं को पवित्र करते हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, अपने आचरण को पवित्र करते हैं, कहते हैं तेन उसी सहस्त्र धाराओं वाली वैदिक ऋचा के द्वारा हे प्रभु आप मुझे भी पवित्र करें। देव जो कि स्वयं पवित्र हैं, वे भी इन ऋचाओं को प्राप्त करके इन ऋचाओं के ज्ञान से अपनी आत्मा को अपने शरीर को बल को पवित्र करते हैं। तो हम मनुष्यों के लिए भी प्रार्थना की है, ये पावमानी ही इनके द्वारा मनुष्य क्या प्राप्त करता है, कहते हैं गच्छति नंदनम, वो जो नंदन परमेश्वर है, परमेश्वर के लिए नंदन शब्द का प्रयोग किया है, नंदयति यह स नंदनः, जो हमें